हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ मंजीत सिंह और इस वीडियो में आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि जो रॉक्स होती है वो किस किस मिनरल से बनाई जाती है। यानी कि हम लोग इस समय बिल्डिंग मटेरियल स्टार्ट किए हुए हैं और बिल्डिंग मटेरियल में स्टोन चैप्टर चल रहा है, और इससे पहले भी मैं एक लेक्चर इस चैप्टर का बना चुका हुआ हूँ। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो देख लेंगे। उसमें मैंने आपको बताया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, रॉक्स का किस प्रकार क्लासिफिकेशन किया गया है, कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया, वो सब कुछ पूरा डिटेल्स मैंने बताया हुआ है। और वो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम व्यू से देखा जाए तो बहुत क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। आज जो ये टॉपिक मैं बताने वाला हूँ इससे भी AA या JEE के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक आज का है कॉमन रॉक्स फॉर्मिंग मिनरल्स। जो चट्टान होता है आपका, वो चट्टान में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि कोई भी स्टोन है तो स्टोन में कितने टाइप से आपको मिलेगा, कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं। देखिए, स्टोन में इतने ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं जिनका अभी तक उनको सारे मिनरल्स की खोज नहीं की जा चुकी है। बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन उसमें जो मेन है वो मैं आपको बताऊँगा जिनका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। यानी स्टोन में आपको ये जो मिनरल्स मैं बताने वाला हूँ ये मेन होता है और ये ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो एक वन बाय वन करके मैं डिस्कस करूँगा और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं वो मैं आज आपको बताऊँगा। तो सबसे पहला नंबर है क्वार्टज। यह है क्वार्टज, ठीक है। ये मिनरल्स है एक प्रकार का। यह सिलिकॉन का ऑक्साइड होता है। यह जो मिनरल्स होता है वो सिलिकॉन का ऑक्साइड होता है। इसका जो कलर अगर देखा जाए तो वाइट कलर मिलेगा या ब्लैक कलर मिलेगा, लेकिन कलर में ही मिलेगा ये हमेशा, ठीक है। जिस स्टोन में ये मिनरल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, अगर क्वार्टज ज़्यादा पाया जाता है, वह स्टोन बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही कठोर होता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। यानी वो बहुत ही कठोर और टिकाऊपन होता है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा मिनरल्स होता है। अब एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, पहली बात तो ये पूछ जाएगा कि ये सिलिकॉन का ऑक्साइड होता है, ये पॉइंट हमें मालूम होना चाहिए। दूसरा, इसका कलर मालूम होना चाहिए, ये वाइट कलर होता है और ब्लैक कलर भी हो सकता है। जिस स्टोन में ये मिनरल्स ज़्यादा पाई जाती है वो स्टोन बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और बहुत ज़्यादा उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, हर मिनरल्स का दो पॉइंट जरूर पूछा जाएगा, या तो उसका मोइस स्केल्स ऑफ हार्डनेस एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये दो पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस मिनरल्स का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो होता है 2.7 स्पेसिफिक ग्रेविटी, 2.7 एंड मोइस स्केल ऑफ हार्डनेस। यानी अगर स्टोन का हार्डनेस चेक करना है तो मोह स्केल पे चेक किया जाता है। वो मैं आपको जब टेस्टिंग वाला चैप्टर टॉपिक बताऊंगा तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा मोह स्केल क्या होता है। तो मोह स्केल से उसकी हार्डनेस चेक की जाती है, और इसका मोह स्केल पे जो हार्डनेस होता है वो होता है 7। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसका जो क्लीवेज होता है वो अच्छा नहीं होता है। केवल यही एक ऐसा मिनरल होता है जिसका क्लीवेज अच्छा नहीं होता है, बाकी जितने भी मिनरल्स
आज मैं आपको बताऊंगा उन सभी के क्लीवेज बहुत ही अच्छा होता है। अगले मिनरल्स की मैं बात करूं, फेल्सपार, फेल्सपार यह एल्यूमिनियम का सिलिकेट होता है, यह एल्यूमिनियम का सिलिकेट होता है। इसमें कैल्शियम और कैल्शियम सोडियम और पोटेशियम के एलिमेंट मिले होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो अमाउंट होता है, मतलब एल्यूमिनियम का सिलिकेट तो होता ही होता है, साथ ही क्या है कि पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम के एलिमेंट भी मिले होते हैं इसमें। इसका जो कलर होता है वो पिंक कलर होता है। इसका क्लीवेज अच्छा होता है। यह स्टोन मौसम से बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो जाता है। अगर मौसम कैसा भी हो तो वो उसमें मौसम में क्या होता है, यानी वेदर में क्या होता है, ये जल्दी से इफ़ेक्ट हो जाता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर मैं बात करूं तो 2.6 से लेके 3.8 होता है। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, मैंने आपसे बताया स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा सबका मालूम होना चाहिए, 2.6 से लेके 3.8 तक होता है। और अगर मो स्केल पे हार्डनेस अगर इसका चेक किया जाए तो 6 होता है। मो स्केल ऑफ हार्डनेस 6 होता है, ठीक है। अगले मिनरल्स की मैं बात करूं, मीका, ठीक है, मीका। अब यह क्या होता है, यह पोटेशियम एल्यूमिनियम का सिलिकेट होता है। यह पोटेशियम का भी सिलिकेट होता है और एल्यूमिनियम का भी सिलिकेट होता है। इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो 2.7 से लेके 3.3 होता है। इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 2.7 से लेके 3.3 होता है। और अगर मो स्केल पर इसका हार्डनेस चेक किया जाए, मो स्केल पर इसका जो हार्डनेस होता है वो होता है 3.5। इसके कलर की अगर मैं बात करूं तो यह वाइट कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, येलो कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है और पिंक कलर का होता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, वाइट कलर होगा, ग्रीन होगा, येलो होगा, ब्राउन होगा और पिंक कलर का होता है। इसका भी क्लीवेज बहुत अच्छा होता है। यह मिनरल्स जिस स्टोन में पाया जाता है वो स्टोन में चमक होती है, उसका ब्राइटनेस ज़्यादा होता है। अगर आप इसे नाखून से उसके ऊपर खुरचेंगे, निशान लगाएंगे तो निशान लग जाएगा, यानी नाखून से भी आप इस मिनरल्स को जो है खुरच सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। अब जिस स्टोन में ये मिनरल्स ज़्यादा पाया जाता है वो कई लेयर से में बनी होती स्टोन, यानी इसे हम कई लेयर में बना सकते हैं, ठीक है। अब अगले मिनरल्स की मैं बात करूं, डोलोमाइट, डोलोमाइट। अब डोलोमाइट क्या होता है, यह कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है और मैग्नीशियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट होता है। इसका क्लीवेज भी बहुत अच्छा होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस मिनरल्स का वो ग्रेनुलर होता है, दानेदार होता है, ठीक है। लेकिन इसे हम अगर अपने नाखून से मार्किंग करेंगे तो मार्क नहीं होगा, इसे हम नाखून से खुरच नहीं सकते हैं। इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूँ तो 2.8 से लेके 2.9 होता है। और मो स्केल पे अगर इसके मैं हार्डनेस की बात करूं मो स्केल पे इसका जो हार्डनेस होता है 3.4 से लेके 4 तक होता है, 3.4 से लेके 4 तक होता है, ठीक है। तो ये चार प्रकार के हो गए आपके मिनरल्स।
एक दो और आपको बता देता हूं, एम्फीबोल, एम्फीबोल क्या होता है? यह सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम के सिलिकेट होते हैं, यानी कैल्शियम सिलिकेट भी होता है, मैग्नीशियम सिलिकेट भी होता है और सोडियम सिलिकेट भी होता है। इसका जो क्लीवेज है वो काफ़ी अच्छा होता है, इसका कलर जो होता है वाइट कलर होता है, ब्राउन कलर होता है या ग्रीन कलर आपको देखने को मिलेगा। इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर मैं बात करूँ तो 2.9 से 3.4 होता है। इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 2.9 से लेके 3.4 होता है। अगर मैं मो स्केल पर इसका जो है हार्डनेस चेक करूं, 5 से लेके 6 तक होता है, ठीक है। लास्ट में बताऊंगा आपको कैल्साइट, कैल्साइट इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। यह जो लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन में सबसे ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो लाइमस्टोन में सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स पाया जाता है वो कैल्साइट पाया जाता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लाइमस्टोन होता है उसमें कौन सा मिनरल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो कैल्साइट ज़्यादा पाया जाता है। इसको आप नाखून से नहीं खुन सकते हैं, इसका कलर वाइट होता है या रंगहीन होता है, ठीक है। इसका भी क्लीवेज बहुत अच्छा होता है, इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो 2.7 होता है, इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है कितना होता है 2.7 होता है। तो ये रहा आपके कुछ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जिससे रॉक बनी होती है, रॉक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के जो मैंने आपको आज बताया हुआ हूँ मिनरल्स, इसी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और यही मेन मिनरल्स होता है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इस टॉपिक से कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अच्छे समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे, और जो भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग के लिए वो उसका जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। इसके लिए सब्सक्राइब करने के बाद जो आपका बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करेंगे। फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और अगला टॉपिक होगा हमारा टेस्टिंग ऑफ स्टोन, स्टोन को कितने प्रकार से उसकी टेस्टिंग की जाती है और कैसे की जाती है, ठीक है। तो स्टोन के चैप्टर से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है वो 3 टॉपिक से ही पूछा जाता है, या तो पूछा जाएगा आपका कौन कौन ये मिनरल से पूछा जाएगा, या पूछा जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स से पूछा जाएगा, या पूछा जाएगा टेस्टिंग ऑफ स्टोन। ये 3 अगर टॉपिक आपने अच्छे से कवर कर लिया तो इसी में से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा।